ये देखो दो दो बंदो लेके जा रहे हैं, कैसी फीलिंग है मुस्तफा? उन्हें जुत्ती फड़ा रहा था। अच्छा तो गाइस कैसे हैं राइट नाउ? अभी तो टाइम हो रहा है, कितना होगा? एक बज रहा है और भूख लगी है हमने, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, मालिक जा रहे हैं, मालिक वहाँ देखते हैं वो खुली है कि नहीं है अभी, तो आइडिया नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा इतनी लेट जा रहे हैं। और फिर उसके साथ आज आपका भाई पूरा दिन बिजी रहा इस लिहाज से क्योंकि सोया रहा है। सोने की बात नहीं है, 12 बजे तक सोया हूँ क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं 12-1 बजे। अच्छा हाँ, फिर बाद में उठा हूँ, उठने के बाद आपका भाई गया है दोम देखने के लिए, बहुत ही फर्स्ट क्लास दोम मुझे लगा है, मैं खुद हैरान हूँ ऐसा दोम बिश्केक में अवेलेबल कैसे है। हम खुद हैरान है, बट्टू भी हैरान है, ऐसे है कि नहीं? मैंने देखा नहीं है, इसने देखा नहीं है। उसकी क्वालिटी ऐसी है कि 4 रूम है उसके, एक उसका हॉल है ये है, और फिर उसके साथ लॉन है, लॉन में एक झूला भी पड़ा हुआ है, और उसकी जो खजाइन है वो रशियन है, कच्ची नहीं है, मतलब जोन सी वो होती है रशियन है, और यहाँ के मतलब रशियन जोन से लोग हैं थोड़े से और तरह के होते हैं। मतलब ये कि वो तंग नहीं करती हमारी, असल में यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ की खजाइन है, यहाँ लोकल की है, तो उसने तंग किया हुआ है बट्टू को बहुत ज़्यादा हमारे ना के मामले में। हमारे मतलब सिगरेट हमारे फ्लैट में से हमें से तो कोई नहीं पीता, हमें से कोई नहीं पीता, ठीक है, वो गेस्ट आए थे पिया, हाँ, तो उस कहीं को बाहर स्मेल गई, लेकिन इसने ना स्मेल लगा दी, और मेरी अपनी गलती ये थी कि मैंने कबूल कर ली। अब मैं उसे माफी तलाफी कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बड़े उसे पोलाइट तरीके से बात कर रहा हूँ, इस वजह से जरा वो सर पे चढ़ रही है। हाँ लेकिन इसने ना मशवरा नहीं लिया था किसी से, खुद इसने मतलब ये ना सेंड कर दी, उसे बता दिया था, इसलिए कहते हैं ना मशवरा जरूरी है, सुन्नत जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मशवरा लेते थे अगर कोई करते थे, तो मैंने इसे बताया, चलो कोई बात नहीं गलती होती है। और फिर आप कहती है हमारा अपना फाइन दोगे $100 ऊपर से, कौन देगा फिर? काम करा के ना 5,000 पे आई है, मानी है, आगे मान रही नहीं है, तो फिर बहुत बोला उसको, बहुत बोला। हमने कहा यहाँ, और यहाँ पे फ्लैट भी बहुत मतलब सस्ते हुए पड़े हैं अभी इसी वक्त, आजकल सस्ते हुए पड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि ना पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के पाकिस्तान गए हैं, और हमें दो मिले गोल्डन मॉस के बिल्कुल साथ ही, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और दोम को मतलब एक रशियन है तो अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, तो वहाँ जाएंगे देखेंगे क्या बनता है। चलो अभी चलते हैं मलिक और आगे सीन आपको दिखाते हैं। खुला या नहीं, ये भी हमारा सीन कुछ ऐसा है क्योंकि हमारा है आखिरी साल, ठीक है, हम चाहते हैं कि ना इतना मतलब ये शिफ्टिंग मिफ्टिंग का वो ना हो, तो वहाँ पर बातचीत पूरी की है, मतलब ये कि एक साल तक है वहाँ पर रह सकते हैं, एक साल के अलावा और भी हमारे साथ जूनियर हैं भाई, और उनका पांचवा छठा छठा है, एक का सातवां अभी शुरू है, हाँ, एक का छठा है, तो वो फिर बोल रहे लेंगे आराम से, हमने फिर चले जाना है। बस यही सीन है, हम बस यही चाह रहे हैं कि ना हम यहाँ पे एक साल है बस आराम से रहें, इतनी शिफ्टिंग में ना लगें, और लेकिन उसे हमने बहुत मनाया खजाइन को, लेकिन मान रही नहीं है वो, इस असल में इसने उसे ना सर पर चढ़ाया, तुमने नहीं चढ़ाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ये खुली हुई है ब्रो, सही है, हमने समझाते हैं बंद होगी नहीं तो खुली हुई है। चलो क्या खाया? बर्गर, बर्गर। ये बिल है इसका, कार्ड से दे रहे हैं। ये देखें जी आपका भाई जो है ना सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, स्वीपर लग जी लग लोग हैं, पता नहीं अजीब किस्म के जानवर लोग हैं यार, उनको खाने की तमीज नहीं है, इसको साइड पे कर दे, गिराई मत, बस साइड पे कर दे। अच्छा तो ना यहाँ पे ना हमने ना चेक किया है कि बटू आवाज थोड़ी काम कर। अच्छा ना यहाँ पे ना हमने चेक किया कि ग्लोबो में ना मालिक की है कि नहीं है, तो हमें नहीं मिला मालिक की, ग्लोबो यहाँ की ऐप है ना मतलब ऑनलाइन डिलीवरी वो करते हैं, कर सकते हैं। बटू मिला है क्या मालिक की मिली है ग्लोबो में? नहीं मिली, मतलब ये कि ना नहीं है। और कोई ऐप है तो आप बता सकते हैं, ग्लोबो है और कौन सी है? नाम्बा। अच्छा तो एक बात आपको बतानी है, यहाँ पे ना कौन सा आपको कैशियर दिखाया ना वो पाकिस्तानी नहीं था, वो अरबी था, अरबी था या तुर्किश था,
ये अरबी था या तुर्की था, पाकिस्तानी नहीं था, लग रहा पाकिस्तानी था। अरब सारे सेम एक ही कैटेगरी के हैं। अक्सर लोग तुझे शायद याद नहीं है, लेकिन हमें अक्सर पूछते हैं अरब हो या क्या हो। हाँ, हमसे पूछते हैं। पूछा है जब मैं थोड़ा सा बनना चाह रहा था ना। हाँ, मुझे कितने दफा लोगों ने पूछा है अरब अरबिस्की अरबिस्की मुझसे पूछते हैं इंडियन। इसके साथ यार अक्सर जब इसके साथ में रहता था ना फ्लैट। हाँ, अक्सर यहाँ सर नमस्ते नमस्ते। असल में वो मुझे इंडियन समझते हैं। सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो गाइस ये आ चुके हैं, फ्राइज़ भी ऑर्डर किए हैं, ये देखते हैं अच्छे हैं कि नहीं। और ये बात है, और दो बर्गर, तीन बर्गर हैं। दो है, दो है। अच्छा, दो बर्गर एक फ्राइज़ की है, सही है। हाँ तो गाइस कैसे हैं, आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। हम असल में ना शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा इतना सामान है ना, बहुत ज़्यादा सामान है, पाँचवें फ्लोर से ले आए हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान चले गए थे बंदे, ऐसा समझे। आपको दिखाता हूँ, ये है, ये करवाई है हमने, और ये तकरीबन छः बंदों का नहीं है ना, सातों का है, ये है 12 बंदों का सामान है, 12 बंदों का ये पूरा हमने करवाया, ठीक है। और हमें लाते हुए ना तकरीबन घंटा लगा ये सारा सामान लाते हुए, अभी और रहता है। सबसे ज़्यादा भारी बताऊँ किसका था, बहुत ज़्यादा भारी था नूरे, तुम्हारा बहुत ज़्यादा भारी था, सच्ची में कहता हूँ। हम दो बंदों ने उठाया, दो बंदों ने, और उसके साथ जुनेद का था। यार मैं हैरान हूँ, ये कैसे लाने दिया ये एयरपोर्ट वालों ने, देखे तो सही, पैराशूट गए, ये पता नहीं कैसा बैग है, कैसे लाने दिया ये एयरपोर्ट वालों ने। उसने भी बताया था बहुत मुश्किलों से लाया था, उसका पता नहीं कोई सीन था, ऑन किया था उसने, ऐसे लाने नहीं देते। ये भारी था और नूरे का भारी था, दो बंदों ने उठाया, तो भाई बस यही सीन है। और शिफ्टिंग का बहुत मसला है यार, बहुत मसला होता है शिफ्टिंग का, बस यहाँ पे अल्लाह बचाए शिफ्टिंग से। और ख़ास तौर पे उनके लिए जो मतलब ये कि रख जाते हैं सामान, और उनके बैग इतने भारी होते हैं, भरे होते हैं फुल बैग उनके। मेरा तो बस यही मानना है कि ना, अगर जानने वाला है ठीक है, नहीं तो मतलब ये कि ना पता नहीं होता ना, क्योंकि हमारा भी यही था कि ना यहीं पर रहेंगे परमानेंट, लेकिन कोई पता ही नहीं चला, तो इससे अच्छा है कि ना आप ना ही कर लें, सही होगा, बेहतर होगा फिर, क्योंकि हमें मुश्किल होती है उठाने के लिए। ये देख सकते हैं कितना सामान है यार, हम हैं चार बंदे, ठीक है, चारों बंदों ने उठाया, पाँचवें फ्लोर पर था हमारा, सीढ़ियाँ थी, तो लेके आए हैं, खुद समझे बहुत मुश्किल होती है ब्रो, बहुत मुश्किल। और ये बंदा बैठा हुआ है। कक दिला नॉर्मल ना, ओके। हाँ तो मनोगा मनोगा दादा या ईस्ट कहता, बहुत ज़्यादा सामान है आपका तो। हाँ ज़्यादा, इतना बड़ा जो किराया ज़्यादा ही होगा ना। और आपको ये बता दूँ, अगर ना मतलब ये कि ना ये इसे हमने बुलाया ना, तो फिर इसने ना एक्स्ट्रा चार्जेस ऊपर लिए है, मतलब ये कि ना हमें लगा था कि ना जल्दी कर लेंगे, लेकिन हमें कराते कराते घंटा लग चुका है, तो 145 ऊपर से हो गए इसे देने पड़ेंगे, 45-200 ऐसे बढ़ते जाएंगे, जितना मतलब ये कि ना आप ऊपर टाइम करते जाओगे ना, इसके बढ़ते जाएंगे, इसके लिए तो फिट है, हमने यंडेक्स कराई है ना, तो ये आपके माइंड में, अगर उस वक्त कराएं जब मतलब आपका सामान नीचे पड़ा हो, तो तब भी आप कराएं, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे टाइम लग जाता है, ये हमारे से गलती हुई है। ओके, ये देखो दो दो बंदों लेके जा रहे हैं, कैसी फीलिंग है मुस्तफ़ा, कैसी फीलिंग है आपकी? जुत्ती फड़ा आपने। पूछना ना बड़ा आसान है। वही तो पता चलता है। छोड़ो छोड़ छोड़। सबसे ज्यादा किसका था? नूरे का। नूरे का एक बैग था, लेकिन बहुत हैवी था। बहुत हैवी था। अच्छा तो इरफान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे भाई हैं इरफान भाई, और इनका यहाँ पे आखिरी सेमेस्टर है, और फिर ये यहाँ से ठीक से रफू चक्कर ऐसे ना, बहुत तंग हूँ यार मैं यहाँ से। वही तो, तंग तो होना पड़ता है बहुत ज्यादा इस तरह की सिचुएशन, जैसे आज हमारी बनी है, जैसे आज बनी है, ये हमें तकरीबन हर दो तीन महीनों में एक बार फेस करनी पड़ती है। हाँ, हर दो महीने, क्योंकि यहाँ
क्योंकि यहाँ के ऑनर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के ऑनर्स बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि दो तीन महीने बाद आप नई जगह पर। हाँ सही सही सही, हमें जाना पड़ता है। अच्छा जाना पड़ता है, माशाल्लाह से। तो बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा सामान था हमारे पास, ऐसे समझे 12 बंदों का था, है ना? बिल्कुल ऐसे। और हमारे पास बंदे थे बहुत सारे, लेकिन हमने गलती की है ना, उन्हें जाने दिया वहाँ पे, उन्हें भी लाने। लेकिन वो अभी ऐसे होगा ना कि वो अब आगे से बहुत सारा सामान निकाल, आगे से वो निकालेंगे सामान, ठीक है? हम तो थक चुके हैं, पाँचवें फ्लोर से हम लेके आए हैं। सही है। और कोई मतलब एडवाइस देना चाहें? एडवाइस यही है कि यार बस अगर शिफ्टिंग करनी हो ना तो ये जो एक्स्ट्रा सामान आते हैं, जो कुछ लोग रहते कहते हैं हम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, हाँ। तो इनका सामान यार काइंडली ना रखें, ना रखें, कभी ना रखें। क्यों? अगर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ जाए, हाँ, तो हालात ऐसे होती है जैसे आप हमारी बस हमारी है, थक चुके हैं, और इनका सामान होता भी भारी है। दो दो बंदे हम उठा रहे थे, जो हम इधर रहते हैं उनका सामान इतना भारी नहीं होता, जो रख के जाते हैं उनका ज़्यादा भारी होता है। हाँ समझ नहीं आती यार। चलो सही है। क्या दिल अबराद डॉर्मन ने, ये हमारा ड्राइवर है बहुत अच्छा है, आराम से बैठा रहा क्योंकि इसके पैसे ऊपर लग रहे थे, 200 इसके ऊपर बन गया, सिर्फ वेट का, सिर्फ वेट का, इसलिए तो आराम से बैठा हुआ है। तो अगर इधर वो दूसरे होते हैं वो मिनी वैन वाले, मिनी वैन वाले, हाँ, उसने कहना था जल्दी करो, जल्दी 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 आराम से बैठे। और ये है मौसम बिश्केक का, देख सकते हैं, बस मौसम ही अच्छा है यहाँ का। लोग भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कम। ये तुर्किश मॉस्क है, प्यारी सी। अच्छा तो गाइज़ आपको अभी दिखाया है, आज पूरा दिन हमने शिफ्टिंग की है, शिफ्टिंग करने के बाद थक चुके थे, फुल थक चुके थे, तो फिर हमने ना जाने के काबिल नहीं थे, तो हमने फिर पिज़्ज़ा ना ऑर्डर किया। तो ये कितने का पड़ा है? 800 का। वहाँ पे जाते हैं कितने का पड़ता है? कोल्ड ड्रिंक केचप वगैरह डाल के तो ये पड़ गया हमें 1400। अच्छा कोल्ड ड्रिंक और केचप वगैरह डाल के ना हमें पड़ा ये 1400 का। वहाँ पे कितने का पड़ता है? वहाँ पे शिफ्टिंग चार्ज नहीं डाल देते हैं, 1200-1300। जैक्स पे अगर हम जाएं तो, वो जैक्स पे जाएं तो कोई मसला, जैक्स पे जाएं तो 1200-1300, वरना 1200-1300। अच्छा 1200-1300, फिर तो ये सस्ता नहीं है, मतलब होम डिलीवरी सस्ती नहीं है? 800 का में पड़ा, मतलब ये कि वो डिलीवरी चार्जेस नहीं ना डाले आज। अच्छा आज डिलीवरी चार्जेस नहीं डाले, इसके फोन से किया था पहला, आज हमने ना, मैंने उस दिन करवा लिया था, मुस्तफा ने ना पहले करवाया था, फर्स्ट यहाँ पे देते हैं मुफ्त ही, मतलब ये कि डिलीवरी चार्जेस नहीं होते, खाते हैं।